अजीम अजीम सर्विसेज असल क्वेश्चन बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि इट कम्स टू द टॉप लेवल स्टूडेंट्स जो अपने करियर को बढ़ाने के लिए बाहर मूव करते हैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जब मेरे पास भी अपॉइंटमेंट uh, लेके लोग आते है, obviously, and they ask the same question, हैं ऑब्वियसली एंड दे आस्क द सेम क्वेश्चन कि हम ऑस्ट्रेलिया मूव करें या कैनेडा मूव करें तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा में मूव करने वाले जो लोग हैं उनमें स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस होता है एज फर एज एकेडमिक्स और जो उनके किडेंश हैं उसको लेकर के चलिए वन थिंग मेन डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है और आप ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा में क्या है और आपको ऑस्ट्रेलिया ले कंपेरेटिवली लेना चाहिए या कैनेडा लेना चाहिए देखिए मैं दो तीन चीजें चूंकि दोनों हमारे कप ऑफ टीज हैं ऑब्वियसली एंड वी कैंट से ये राइट right है ये रॉन्ग है लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी जिनके साथ हम इंट्रैक्ट करते हैं जैसे मैं अभी आप साथ इंट्रैक्ट कर रहा हूँ

जब अपनी एजुकेशन अपना टू ईयर एजुकेशन जो कनाडा में कंप्लीट करते हैं देन दे हैव फेयर इनफ चांसेस को उनका परमानेंट रेजिडेंसी हो जाता है उनका परमानेंट रेजिडेंसी इनको ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते हैं पीआर जिसको आप कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं जबकि यही रेशो जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं दो हजार में नीचे चली जाती है जिस कॉज ऑफ द पॉइंट सिस्टम जो उनका पॉइंट सिस्टम है वो बहुत टफ हो गया हुआ है फॉर एग्जांपल आप आईटी को ले लें या आप मैनेजमेंट को ले लें या आप किसी भी सेक्टर को ले लें जिसमें कि पीआर के लिए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं एक तो ये चीज है कि उनके पॉइंट्स इतने नहीं बन पाते हैं कि वो ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट्स uh, को मीट करें लाइक पॉइंट्स 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 और सम ऑफ़ द कोर्सेस आई पर्सनली ना वन हंड्रेड से भी ऊपर है तो कुछ ऐसे जैसे आपका मीडिया डिजाइन है या डिजिटल कोर्सेज हैं जो मूवी रिलेटेड कोर्सेज हैं जो मीडिया रिलेटेड कोर्सेज हैं उनके पॉइंट्स अभी भी थोड़े नीचे हैं ऑस्ट्रेलिया में कैनेडा में ये सीन नहीं है आई मीन वेदर यूर मूविंग फॉर एम बी ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मूव करो मैनेजमेंट में मूव करो आई टी में मूव करो साइबर सिक्योरिटी में मूव करो डेटा साइंसिस मूव करो फॉरेंसिक साइंस में मूव करो आप हेल्थ साइंस में मूव करो आप बायोटेक्नोलॉजी में मूव करो कहीं पर भी मूव करो इफ यू फिनिश फिनिशियोर एजुकेशन यू आर एलिजिबल फॉर द पी आर इन कैनेडा तो ऑब्वियसली जब आप कैनेडियन वीजा अप्लाई करते हो कैनेडियन वीजा उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दो साल से ज्यादा का गैप है कैनेडियन वीजा उनके लिए नहीं है जिनका आयल्स नहीं है कैनेडियन वीजा उनके लिए नहीं है ऑब्वियसली जो आ, ये कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए एजुकेशन छोड़े हुए और हम कनाडा जाना चाहते हैं स्टडी वीजा की बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलियन वीजे पे जब आप आते हो तो इनका सेटिस्फैक्ट्री जो रेट है एज पर यू नो ऑस्ट्रेलियन डेटा और ऑस्ट्रेलियन uh, जो ट्रेड कमीशन डेटा है वो ऑलमोस्ट 84 परसेंट है दीपल I mean they come along Australia from all over the world. I mean 84% of the people are satisfied with the level of education. most of the people Australia Move from South Asia or understood Australian level of education was South Asian uh, level of education Australian education. को कंपीट नहीं कर सकता इसलिए वो काफी सेटिस्फाइड होते हैं अब जब आप कैनेडियन लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाते हो नाइनटी आउट ऑफ हंड्रेड पीपल दे आर देर ऑफ हंड्रेड परसेंट देनेडियन एजुकेशन सिस्टम तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम भी बुरा नहीं है ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क उसको कहते हैं इसी तरह जब आप कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम का बात करते हो तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट बैड ऑल बैडेद बल्कि ऑस्ट्रेलियंस भी कनेडा पढ़ने जाते हैं जो कनेडा वीजा है, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कनाडा पाकिस्तान को वीजा नहीं देता बहुत कम देता है कि जितना ऑस्ट्रेलिया देता है यस आई एग्री जितना वीजा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को देता है उतना वीजा कनाडा पाकिस्तान को नहीं दे पा रहा अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन राइट माय वर्ड लिख ले इस चीज को जब 2021 आता है आप देखेंगे कि कनाडा भी प्रो पाकिस्तानी स्टूडेंट कंट्री बनने जा रहा है हजार एक साल में दुनिया से लेता है। और आप देखें पिछले नौ माह से वहां कोई स्टूडेंट नहीं गया इसी तरह वेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया साढ़े पांच लाख स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया लेता है पूरी दुनिया से और अभी तक दो पिछले इनटेक से वहां स्टूडेंट नहीं गए तो इसलिए भरपूर तैयारी करके रखनी है आपने भी हमने भी और काफी लगने जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आपके वीजा जो है वो इजिली ना ऑस्ट्रेलिया का लगना है ना कैनेडा का लगना है तो कैनेडा का जो वीजा है ऑब्वियसली दैट इज अस्टमेटिकल अप्रोच के साथ हमने अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है आप वहां जाइए हमारी पाकिस्तानी टीम को पढ़िए हमारी कनेडियन टीम को पढ़िए हमारी बांग्लादेशी टीम को पढ़िए हमारी मलेशियन टीम को पढ़िए हमारी ईरानियन टीम को पढ़िए हमारी उजबिक टीम को पढ़िए आप हमारे जनाब श्रीलंकन टीम को पढ़िए इंडिया टीम को पढ़िए वी हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर अबाउट मोर देन इलेवन कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इसी तरह जो हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम है इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया आई बिलीव दे आर द ट्रू लेजेंड इंडस्ट्री तो ऑल टूगेदर हम पाकिस्तान में आप जानते हैं पिछले चौदह साल से वी आर ब्रिंगिंग दर्गे इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए हम बहुत टॉप लेवल बॉडीज को लेके आते हैं पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपने देखा पिछले दो साल आ, हमने एक बॉडी को ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया मेलबर्न ऑब्वियसली बेस्ड वो कंपनी एंड वी Had a huge success, almost 95% visa ratio. Or, I believe, okay, Joham companies in Pakistan, mein leke aaraan, uh, Canada se or Australia, se, they are going to be. Uh, the best one in the market. So I'm looking forward for your cooperation. And I always, say, I say that I want to give you services, and those services you have to give me with me. And this is how we can do best in the interest of the Pakistani community. So Australia, Canada, are both are good. And wherever you want to apply, you have to bring your documents with your visit or, You have ya WhatsApp your profile. तो ऑब्वियसली जो मेरे असिस्टेंट हैं वो मेरे तक पहुंचेंगे और uh, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आई टेल यू द बेस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा अली अजीम वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देखें और जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे पाकिस्तान से कम अज कम हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए आपके जरिए